WHORS. WHORS. बाल नाइस लग रहा है तुम्हारा, अलग क्यों लग रहा है ऐसा? और क्या लिपस्टिक आंखें इतने सुंदर दिखे का वीडियो कैसे आ रहा है रे देवा. Are you guys? I hope everyone is doing good. I hope guys are staying safe. Since अभी मम्मा ने वो टॉपिक उठाई दिया है कि मेरा आईज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो डिफरेंट क्यों लग रहा है वो मैं बता देती हूँ. आई मेकअप विद वेल डिफाइंड लैशेस इज इनकम्प्लीट, isn't it? And that one product that gives you that final touch is a volumizing mascara. But to use it every day, is it safe? Wouldn't it be great to find the perfect mascara that gives instant volume to your lashes and that too with the same care? Mamaearth's Lash Care Volumizing Mascara has got you covered. Crafted with the natural goodness of almond oil and castor oil, this mascara conditions and nourishes your eyelashes. Hear about using this on a daily basis? Well, you should not be, because it is Made Safe certified, which is a proof of no toxins and parabens. This mascara provides 2 times instant volume and stays for 12 long hours. Isn't that amazing? Mamaearth is all about the goodness inside, and this goodness does not only lie in their products but also in the values that the brand stands for. Every time you buy from them, Mamaearth will link your order on their website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth aims to plant 1 million trees as a part of this initiative. Mamaearth is plastic positive, which means they recycle more plastic than they use. All Mamaearth products are available on Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple, Mamaearth's official website and their app. You can use my code SWAMY2022, which is SWAMY2022, to get 20% off your purchase. कितना चतुर इंसान है रे. मैं जेन्युइनली पूछा तुमको, तुम ये सब किया, बट उसकी वजह से नाइस लग रहा है वो लगाया तुमने. हाँ, क्योंकि मैं मतलब मैं दूसरा वाला यूज करती हूँ, बट ये वाला थोड़ा सा ऐसा थिक है तो एकदम ऐसा पॉप कर. मामा मेरे कंधे में बैठ के पूरा वीडियो शूट करने वाला है. सो मुझे लगा, सिंस हम लोग, तुम तो स्टिल उतना गायब नहीं था, मैं एकदम ही गायब थी, तो आई थिंक आई ओ वन प्रॉपर Q&A वीडियो टू यू गाइस. दिस इज समथिंग जो हमें करना बहुत पसंद है, जो तुम्हें देखना काइंड ऑफ पसंद है, तो मतलब एक ऐसा बैलेंस है. हे यदि, हाउ यू बोथ आर डूइंग, हाउ आर यू बोथ एक्चुअली फीलिंग. मैंने जान के ये वाला क्वेश्चन सबसे फर्स्ट रखा, सिंस मुझे चाहिए कि हम लोग इसके बारे में बात करके ये वाला टॉपिक साइड पे रखते हैं, उसके बारे में कभी वापस बात करें. तुमसे पूछा है, तुमको ORS पिला रहे हैं ना, तुम बोलो. तो लोगों को पता ही होगा मैं ORS पी रहा हूं, मतलब मैं एकदम ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ गाइस, है ना. ऐसा लग रहा है बार बार प्यास लग रहा है, कुछ तो कमी है लाइफ में, बट उसको नहीं पता है वो कमी मैं. ओ जे हम लोग दोनों मतलब कितना 2 साल बाद ऐसा अलग रहे हैं ना, प्रॉपर 24 आवर्स साथ में रखे एकदम अभी ऑल ऑफ अ सडन. यूजुअली मैं 12 बजे सो जाता हूँ, अभी मैं 3-3 बजे तक जागा रहता हूँ, और मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाता है आजकल. आई थिंक वी आर बोथ गुड, हम लोग बस थोड़े से हॉच पॉच हो गए. हाँ, पापा अभी हॉस्पिटल में ही है अभी तक, अराउंड कितना 1 वीक हो गया है ना, बट फाइनली अभी मतलब काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, मतलब होपफुली 1-2 दिन में अपन डिस्चार्ज हो जाएंगे. अच्छा, ऐसा हम लोग, हाँ ऐसा हम लोग प्रे कर रहे हैं. तो वही है, उसके वजह से हम लोग थोड़े से ऐसे हैं बस, बाकी तो ठीक है. बहुत सारा चीज एक साथ हो गया. हाँ, मेरा इवेंट आ रहा है. हाँ, काफी सारा कुछ मेरे इवेंट के साथ, और 2 इवेंट आ रहा है जान के. देखो, अच्छा टाइम भी निकल ही जाता है, बट बुरा टाइम भी निकल ही जाता है. बुरे टाइम पे कुत्ता भी शेर बन जाता है, ये वो वाला टाइम है. फ्यूचर गोल्स एंड बकेट लिस्ट. फ्यूचर गोल्स में तो देखो, हमने विजन बोर्ड बनाया था. हाँ, उसमें से एक चीज तो मेरा हो गया, बाकी एक भी चीज नहीं. मैंने जो जो सोचा था, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि वो काफी ज्यादा अनइम्पोर्टेंट था सब कुछ. हाँ, अभी के लिए मेरा जितना भी विजन है, जो भी मेरा विजन बोर्ड, जो मेरे फ्यूचर गोल्स है, वो ऑनेस्टली सिर्फ यही है कि मुझे खुद हेल्दी रहना है, मुझे चाहिए मेरा फैमिली हेल्दी रहे, हम लोग मैक्सिमम हम लोग टाइम साथ में स्पेंड कर पाए. IKF का वेन्यू कब रिलीज होगा? हो गया, किसी को अपडेट नहीं होगा ना. हो गया और इतना प्रिटी गया. और अगर नहीं पता है तो यहाँ पे हम लोग वेन्यू वाला पोस्टर डाल देंगे. एमसी स्टालिन बिग बॉस, योर ओपिनियन? माम बिग बॉस में मैं तो बहुत खुश है भाई. इसमें तो हमने 2 ही एपिसोड देखे, वो मैंने जबरदस्ती दिखाए. मैं तुमको बोलती हूँ डेली देखने के लिए. ओह माय गॉड, इस बार का बिग बॉस इतना नाइस जा रहा है. एकदम ओजी बिग बॉस का याद आ गया. इससे पहले वाले ना बड़े वैसे थे कि ऐसे इमेज को बचा के रखेंगे. अभी नहीं है क्या वैसे? नहीं, अभी सब लोग ही एकदम थोड़े खिसकी ले. हाँ,
डेफिनेटली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स. हां मेरे को भी ऐसा, मैंने सोचा नहीं था फर्स्ट वीक में. तो एक ऑडियंस मेंबर ने बोला था कि जैसा हम लोग आपको वीडियोस में देखते हैं, जैसा हम लोग बाहर देखते हैं, वैसा ही हमें अंदर देखना है. तो मैं वो सोची थी कि वीडियोस में जैसा वो अपने आप को प्रेजेंट करता है वो उसका पर्सोना है. है ना, वो रियल लाइफ में सेम नहीं हो सकता है. वो भी मतलब 3 महीने तक लोग थोड़ी ना कर रहे हैं. एग्जैक्टली, तुमको वो भी 3 महीने, तुम 24 घंटे कैमरा के सर्वेलेंस में हो. जो तुम रियल हो वो तो बाहर आ ही जाता है. तो मैं वो सोची थी अगर वो रियल में अगर इतना शांत है तो चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं. बट धीरे धीरे अभी उसका ऐसा पर्सनालिटी ग्रो होता हुआ दिख रहा है शो में. होली शिट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स. वन ऑफ भी नहीं, वैसा आई थिंक फेवरेट ही है. मेरे को ऐसा लगता है जीतना चाहिए वो. डस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क्स ओनली इफ यू वांटेड टू. तो आई मीन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चलता है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना. हमको वो स्ट्रेस के थ्रू नहीं जाने का था, इसके लिए हम लोग साथ में आ गए. एकदम ऑनेस्ट. और हमें तो गॉड ने भी साथ में लाया. There's a difference between toppers and intelligent people. Do you think this is true? 100%. हाँ, है ना. सिर्फ इंडियन एजुकेशन, हाँ वैसे मेनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा ना रट्टा मारने पे फोकस करता है. जो बेटर रट्टा मार सकता है वो तुमसे ज्यादा अच्छा है. है ना, बट मैं उस चीज में बचपन से बिलीव नहीं करती. मतलब मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं हर चीज ना लर्न करके जाती थी. मैं कभी फैक्ट्स बाय फैक्ट्स बाय फैक्ट्स, वर्ड बाय वर्ड में कभी पेपर में लिख के नहीं आती थी. तो जो टीचर जेन्युइनली वैसा आंसर्स ढूंढते थे कि चलो बच्चे ने वर्ड बाय वर्ड लिखा है, वो मुझे कभी मार्क्स नहीं देते. एग्जैक्टली, बट हमारे पास लकीली बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको वेल रिसर्च्ड चीजें बहुत पसंद थी. उसकी वजह से मैंने फिर ह्यूमैनिटीज लिया और उसके बाद इंग्लिश. हमारे स्कूल में कोई भी टीचर्स एकदम ही अजीब से थे सारे. मारने पे फोकस करते थे खाली. उनको बस चांस चाहिए कि हम इसको कैसे मार सकते हैं और कितने इनोवेटिव तरीके से मार सकते हैं. तो मैं टॉपर और इंटेलिजेंट दोनों में से नहीं हूँ, बट मेरे को डिफरेंस पता है. नहीं, मुझे लगता है तुम इंटेलिजेंट है, तुम क्रिएटिव. देखो, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होना भी इंटेलिजेंस है. बट हमारे स्कूल ने कभी उस चीज में हमें बिलीव ही नहीं करने दिया. अगर बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो वो भी इंटेलिजेंट है. बट मैं आर्ट्स में भी अच्छा नहीं हूँ. बट डांस भी आर्ट फॉर्म है ना. आर्ट्स तो पेंटिंग क्राफ्ट वो सब हुआ. What gives you the motivation to always be positive in life and be focused with your goal? Nothing. Because I am not motivated to be positive or focused, at least in this phase of my life. मेरे लिए survival, survive कर. हाँ, तुम्हारा survival instinct काफी strong है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम positive हूँ या मैं एकदम motivated रहता हूँ पूरा positive. जिंदगी में मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं पॉजिटिव हूँ या मैं मोटिवेटेड हूँ कुछ भी चीज करने के लिए. मैं पूरा टाइम मेरा सर्वाइवल वाला स्विच ऑन रहता है कि भाई सर्वाइव करके ये फेज से निकलना है, ये फेज से निकलना है, ये फेज से निकलना है. जो कि एक तरीके से नेगेटिव है क्योंकि तुम लाइफ के एस्पेक्ट्स को ऐसा अगर तुम ये करते हो तो एंजॉय नहीं कर सकते. क्योंकि तुम पूरा टाइम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो. तुम पूरा टाइम सोचते हो कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, कहाँ से निकलूँ. बट एट टाइम्स मेरे को ऐसा होता है कि हाँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा बैठे रहता हूँ घर पे, कुछ नहीं करता हूँ, चिप्स खाता हूँ, सीरीज देखता हूँ, ऐसा वो टाइम मेरे को ये करता है. बट कहीं ना कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मेरा वो टाइम पे भी ऐसा बीच में आ जाता है कि ब्रो कल सुबह हो जाएगा, कल नया दिन रहेगा, क्या करेगा तू, कैसे निकालेगा वैसा वाला. How to deal with retroactive jealousy? ये मुझे गूगल करना पड़ा था. हाँ. इसका क्या मतलब है. सो बेसिकली रेट्रोएक्टिव जेलसी रेफर्स टू जेलसी ओवर योर पार्टनर्स पास्ट, पर्टिकुलरली देयर प्रीवियस रिलेशनशिप्स. सब लोगों ने आज मिलके एक नया टर्म सीखा. हाँ ना? दिस इज the most normal and natural thing that can happen to you as a human being. अगर तुम इंसान हो तो obviously तुमको किसी जिस इंसान से तुम इतना प्यार करते हो उसके किसी ना किसी उसके life के aspect से थोड़ा बहुत तुम इफेक्ट हो गए ही हो गए. मतलब वो चीज तो एकदम ही अनअवॉइडेबल है. मतलब मुझे लगता है मैं वन ऑफ द chillest पीपल ऑन अर्थ हूँ और मुझे भी बहुत इम्पैक्ट होता है काफी सारी चीजें. अगर मतलब मुझे होता है तो आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे बाकी लोगों को इनटू 10 होता रहेगा. हाँ, वैसे हाँ, वो इसमें तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता कि मैं सोचूं. वो अपने दिमाग में घूमता रहता है. वो अपने तुम इधर उससे बात कर रहे हो कुछ सीरियस और वो दिमाग में स्लाइड पे से नीचे जा रहा है. एकदम सच है. मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता किसी की बातों पर, कभी नहीं लगता. कोई कुछ भी बोलता रहे मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये बात खत्म होने के बाद क्या. ऐसे नहीं बैठना कि अच्छा बात खत्म हो गया मैं खाली बैठा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करते रहने. सर ने आपसे कभी आपके फ्रेंड्स के लिए लड़ाई करी है? किसके फ्रेंड्स के लिए पता नहीं. किसी के भी फ्रेंड के लिए मैं क्यों लड़ूंगा. हाँ, मुझको क्या मतलब
कोई कुछ भी करे जिंदगी में, मुझको क्या है, तुम करो ना जो करने है, तुम गिरते ही गिरो, मैं देख के हंसूंगा, लड़ूंगा क्यों किसी से। सो बेसिकली हम दोनों का जीरो ही लगा लो, हमारा लड़ाई नहीं होता है, हम लोगों का दोनों का नेचर मतलब बहुत कंपैटिबल है, हमें हंसने से हमें फुर्सत मिले, हमें ब्रेनस्टॉर्म करने से फुर्सत मिले, हमें चिल करने से फुर्सत मिले, तो हम लोग लड़ेंगे। हमारा फनी चीजों पे से ध्यान हटे तब जाके हम लड़े ना, हमारे लिए सब कुछ उल्टा पड़े, हमें हंसी आ रहा है उसको देख के, उधर चटनी पड़ रहा है। मैं यही बोल रहा हूँ कि हम लोग दोनों का वैसे कि हमको लाइफ में सब चीज फनी लगता है। यू से यू डोंट लाइक कन्फ्रंटिंग, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट? मैंने तुमने बोला है, ये मैंने बोला है, बोला है। मुझे नहीं पता कितने लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज़ोडियाक में बिलीव, तुम करते हैं ज़ोडियाक में बिलीव? जब भी कुछ बुरा होता है तब मैं ज़ोडियाक में बिलीव करता हूँ। मेरा उल्टा है, जब भी मुझे अच्छे ट्रेड्स दिखाई देंगे लिब्रा के, मेरे को उस टाइम पे एकदम लगता है फक ये तो मैं हूँ। नहीं, लिब्रा इज परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल, दिस इज सो ट्रू। मेरे को ऐसा लगता है अरे डार्क फेस वाले कौन सा मीटियर, कौन सा मीटियर किधर से ऊपर से जा रहा है भाई, चले जा जल्दी से। बेसिकली लिब्रास का सबसे मेन जो उनका जो फीचर रहता है वो दो चीजें हैं, एक वो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं और एक उनको कन्फ्रंटेशन से एकदम प्रॉब्लम होता है, और ये दोनों मेरे लिए एकदम ट्रू है। मुझे नहीं पता ये लिब्रा की वजह से कि मेरे मुख्य पर्सनैलिटी की वजह से, पता नहीं, बट कन्फ्रंटेशन से मुझे प्रॉब्लम है इन द सेंस कि मैं वहीं पर जाकर कन्फ्रंटेशन कर सकती हूँ जहां पर मुझे पता है कि वो बात के एंड में कुछ रिजल्ट मिलेगा। जब मुझे पता है कि तुम्हारे साइड से कुछ रिएक्शन मिल ही नहीं रहे तो फिर मैं कन्फ्रंट करूँ क्यों, मेरे लिए वो मतलब वेस्ट ऑफ माय एनर्जी हो गया। मतलब इन शॉर्ट तुम्हारे लाइफ में जो भी चीज इम्पोर्टेंट है तुम उसको कन्फ्रंट करने को रेडी है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम पहले से बहुत चेंज हो गए, मतलब तुम जो पहले बोलता था कि मैं कन्फ्रंट करने से बहुत मतलब ये है मेरे को वो है, बट अभी तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गया, तुम बहुत ऐसा ग्रो हो गया as a person. Views on Hustle 2.0 and your favorite contestant. तूने उतना देखा नहीं है, तुमने एक एपिसोड देखा है, come on. एक देखा दो देखा? जो भी है, मेरे को डीनो जेम्स नहीं पसंद है। Pod leaders मुझे भी नहीं पसंद है, बट मुझे still EPR और King पसंद है। मेरे को सिर्फ King पसंद है क्योंकि उसने जो एक एपिसोड में बोला था वो चीज, वही एपिसोड मैंने देखा और मैंने बोला कि ये चीज एकदम नाइस है। पेट दुख गया, मतलब अभी सबसे रीसेंट वाले एपिसोड में उसने पैराडॉक्स के लिए स्टैंड लिया था, क्योंकि बाकी सब जजेस बोल रहे हैं कि पैराडॉक्स तो इतना अमेजिंग है, बट हम लोग तुझे तेरे प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे ही जज करेंगे, तो बाकी कंटेस्टेंट्स क्यों आए वहां पे, उसके अकेले का कंपटीशन करा दो तुम, हसल 2.0 क्यों है, पैराडॉक्स 2.0 रख लो। मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब किंग इतना कभी कनेक्ट नहीं किया था उसके गाने ऐसा, म्यूजिक की वजह से मेरे को ऐसा लगता था कि ठीक है बहुत कमर्शियल है, मैं वैसा गाना सुनना नहीं चाहूंगा, वैसा ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद आया या ऐसा नहीं, कनेक्ट नहीं किया मेरे को, बट अभी उसका जिस तरीके से उसने स्टैंड लिया एक ही उसके उस चीज ने मेरे को एकदम चेंज कर दिया, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को इसको और देखने का क्या करने का क्या करते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी जैसे हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे रहे, exactly. बहुत ही ज्यादा ऐसा पॉजिटिव की दिया रहा, हैप्पी शो वैसा बता रहे, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। मुझे लगता है कि जितना भी, ये मेरा एकदम पर्सनल ओपिनियन है, जितना भी किंग ने कमर्शियली ग्रो किया है, उसका जितना भी सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं उसका जो रूट्स है वो रफ्तार की क्रिटिसिज्म से आया है, क्योंकि रफ्तार ने ऐसा नहीं देखा तुमने, ओ माय गॉड रफ्तार अमेजिंग जज था, अमेजिंग मतलब नेक्स्ट लेवल। इसमें ना बादशाह उनसे क्रिटिसाइज करता है ना स्क्वाड लीडर्स करते हैं, तुमको पता है ये स्क्वाड लीडर्स कैसे कैसे पॉइंट्स पे मार्क्स काटते हैं कि तूने गाते वक्त आंख बंद किया, तेरा एक पॉइंट कट। मैंने 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 दो एपिसोड देखे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, एक जब सबको पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक जब सबको नेगेटिव मिल रहे हैं। तो ये होता क्या है कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं ना अभी, तो पूरा को हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट हाफ को ये लोग एक्साइट होके, मुझे ऐसा लगता है एक्साइट होके सबको 10-10 दे देते हैं, फिर इनको रियलाइजेशन होता है अगर सबको 30 मिल गया तो बॉटम में कौन आएगा, सेकेंड हाफ में जो भी जाता है उसको वैसे ही उनका ड्रॉबैक रहता है, नहीं फिर एक चालू करता है फिर दूसरा उसको देता है, फिर तीसरा उसको देता है, मतलब एकदम। बट स्टिल ईपीआर और किंग मेरे फेवरेट स्क्वाड लीडर्स हैं। कंटेस्टेंट्स तुम्हारा कोई फेवरेट है? कंटेस्टेंट मैंने इतना ध्यान से किसी को देखा नहीं है। मेरे एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स और ग्रेविटी टॉप टू, तो मेरे को नाम से और पैराडॉक्स मेरे को नाम से याद नहीं। हां पैराडॉक्स बहुत अच्छा है ना, बट एमसी स्क्वायर बहुत नाइस है। एमसी स्क्वायर कौन है, वो जो टोपी पहन रहा है? हां मैंने दो पैराडॉक्स का दो तीन परफॉर्मेंस देखा है, रहते हैं, और एमसी स्क्वायर भी बहुत अच्छा है, मतलब एकदम स्टिकिंग टू द रूट्स
और किसी एक तो भी कंटेस्टेंट पे शायद से पैराडॉक्स पे डिनो जेम्स ने ये बोला था, डिनो जेम्स या डीएमसी में से किसी ने, कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया तो मेरे लिए इतना कनेक्ट नहीं। डीएमसी ने बोला था कि काउबॉय और बैलगाड़ी का क्या ये है। तुमने उस साइड पे बहुत नाइस एक बात बोला था। हाँ, मतलब अगर जज को पता नहीं है हिस्ट्री सामने वाले का, हाँ, तो वो जज का फ्लॉ है। हाँ, अगर लैंग्वेज बैरियर है तो वो तुम उससे डील करो ना, तुम बैठे तुम जज क्यों, जब तुमको पता ही नहीं तुम क्यों बोल रहे हो। एग्जैक्टली, इसका मतलब तो फिर हरियाणा से कोई भी आ ही नहीं पाएगा। तो फिर रीजनल बेसिकली किसी को नहीं करना चाहिए, है ना, सबको ऐसा सब हिंदी इंग्लिश में गा लो, मेजोरिटी में जो है उसमें कर लो वैसा। तो स्टूपिड, मतलब इंडियंस के लिए रूट्स पे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये लोग उनको उससे दूर खींच रहे हैं। नहीं, मेरे को मैं ये सोचता हूँ कि वो लड़की है ना डीएमसी, हाँ, जज जो, हाँ, है उसके दिमाग में आया भी कैसे कि मैं ये क्वेश्चन पूछू। एम्बैरेसिंग नहीं था नेशनल टेलीविजन पे कि एक सामने वाले ने पूरा गाना उस पे गाया, उसके बाद मैं पूछती हूँ कि ये क्या है, और उसके बाद मैं ये क्रिटिक करती हूँ कि मुझे कनेक्ट नहीं हुआ। आह, और भी इसके लिए क्योंकि लैंग्वेज सेम नहीं है। मेरे को भी नहीं पता था बैलगाड़ी, मुझे भी नहीं पता, और कितना नाइस था वो चीज। पर हर चीज समझ के थोड़ी ना एंजॉय करना होता है, हम लोग भी तो बचपन से क्योंकि वो हर किसी के इसमें बहुत अच्छे से सबको उसका हो या किसी और का, खड़े होके जाता है बादशाह के पास जाता है, हाइप बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो मतलब जेन्युइनली करता है, वो सामने वाले को देख के नहीं करता कि वो मेरे वाले के लिए खड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था, उसका वो वाला मेंटालिटी नहीं है। बहुत नाइस ऐसा लगता है, एज अ पर्सन नाइस लगा। हसन 2.0 के बाद हम लोग तो किंग के फैंस हो गए, मुझे ऐसा लगता है, बाकी किसी के हुए ना हुए। एक लास्ट किसी का पर्सनल क्वेश्चन ले लेना चाहिए मुझे लगता है। दी मूव ऑन के लिए क्या करूं, मेरा रिलेशनशिप था 4 इयर्स का और वो एक मंथ में ही दूसरा बीएफ बना लिया। गो टू जिम, मुझे लगता है देखो अगर किसी ने एक मंथ में किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया है तो तुम ये एक चीज डाइजेस्ट कर लो कि 4 इयर्स तक तुम उससे प्यार करते थे या तुम एक रिलेशनशिप में थे, वो पहले से ही मेंटली रिलेशनशिप में से निकल चुकी थी, है ना, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और ये होता ही है, मतलब एकदम फैक्ट है, मेरे साथ हुआ, टैटूज बना प्लीज यार, मामा छोटा रहेगा तो मम्मी उसके खींच के देगी कार पे। टैटू बनाने के बाद क्या, खींच के खा भी लो, टैटू का इतना दर्द ले लिया फिर खा भी लो। मेरी मम्मी भी ऐसे बोल रही है, टैटू बना के आएगा घर पे नहीं रुकूंगी, बना के आ गया निकाल दे घर से। मेरे स्कूल में मेरा एक जूनियर था, तुम भी जानते हैं उसको, वो टैटू बना के अपने घर गया, उसके डैड ने देखा उसने टैटू बनाया है, उसके डैड नेक्स्ट दिन ही टैटू हील भी नहीं हुआ था उसको लेजर से निकलवाने के लिए लेके गए, और बोलता है उसको इतना पेन हुआ, उसका पूरा ओवरऑल स्किन भी पूरा व्हाइट हो गया। तुम ये लोगों के दिमाग में डाली क्यों रहे, पेरेंट्स के दिमाग में, वो वहीं पर बात दब जानी चाहिए थी ना तब। आई एम जस्ट सेइंग, मेरा मन भी गलत ही एडवाइस देता है, इसके लिए मुझे लगता है मेरे चैनल पे Q&A होने चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा एडवाइस देती हूं। गेट सम टैटूज एंड सीधा लेंस में देखना कितना फनी है ना पूरा टाइम। बहुत टाइम बाद इतना फन वीडियो, क्या देखते रहता है तू? अरे मैं टाइम देख रहा था कितना। अब मैं वही वाला पार्ट ज़ूम कर करके डालती रहूंगी जहाँ पे तुम ऐसा करके पास में गए, मुझे दिखा तुम इधर स्क्रीन में। बहुत टाइम बाद मुझे लगता है हम लोगों ने इतना फन वीडियो बनाया, मुझे बहुत लाइट लग रहा है, गंदी तोड़ देगा इधर से। गाइस विटामिन डी जो होता है बॉडी में वो 20 अगर है तुम्हारा तो वो लो है, 25-30 है तो फिर मॉडरेट है, और मेरा विटामिन डी निकला क्या होता है मेरे लिए ये पूरा कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मम्मा सुसु करना बंद कर दो मेरे के लिए, and I'll see you guys the next time. तो